जाना है तो जा तू, पर इतना सुनती जा तू, तड़पूंगा तेरी जुदाई में, बिछड़े हंसों जैसा होगा हाल, माने या ना माने तू, है तू मेरी सोनी, तुझसे मैं न गुस्सा करूंगी, हर पल मैं तेरे साथ रहूंगी, सुनिए सॉरी, दिल से सॉरी, गलती हो गई। इट्स ओके। हाँ परजय जी, गलती दरअसल हम सबकी है, सिर्फ सोडी की नहीं। अभी जी सोडी पर तो मना ही कर रहे थे, वो तो हमने फोर्स किया पार्टी शार्टी के लिए। लो। हाँ ठीक छे ठीक छे, पर फिर से ऐसी गलती मत करना। ओ तौबा तौबा, ओ ना जी ना। ओए आइंदा तो कभी ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। लेकिन सुनिए सच कहूं ना, जिंदगी के लिए जितना तू जरूरी है ना, उतने ये दोस्त यार भी जरूरी होते हैं। तो हो गई यारों के साथ थोड़ी गलती। तो सुनिए, तो मैंने पता होता ना कि तू आज आने वाली है, तो मैं पार्टी शार्टी कभी नहीं करता। सच्ची सच्ची। ओ यारो, आज जो कुछ हुआ है ना, वो सब प्यार की वजह से हुआ है। प्यार का वजह से? प्यार की वजह से मतलब? एक्चुअली मैं अपनी पोली पार्सन से इतना प्यार करता हूँ कि उसे दुखी नहीं देख सकता। और मैंने पता सी कि अगर मैं ऐसी हालत में उसके सामने जाऊंगा तो वो बहुत दुखी होगी, इसीलिए मैं तेरे सामने नहीं आया। और सुनिए एक बार फिर से दिल से सॉरी। अरे ऊपर, मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ, इसलिए तो मैं तुझ पे गुस्सा हो गई कि तूने एनिवर्सरी के दिन पार्टी शादी की, इसलिए ऊपर सॉरी। इट्स ओके। सुनिए सच कहूँ ना, तो तेरा मेरा प्यार ना लस्सी में मिले दही और शक्कर की तरह है, कभी अलग नहीं हो सकते। I love you too. I love you. और रोशन, तुम्हारी एक बात के, इतनी रात को तू ये बैंड बाजा किधर से लेके आया? ओ नाजिना सुनिए, ओ मैं नहीं लेके आया, ये परमिंदर एंड कंपनी लेके आए हैं। हुआ यूं कि जब मैं पप्पू के घर से निकला तो मैंने परमिंदर को फोन किया, तो मैंने कहा कि फसाया तुमने है तो आके बचाओ भी तुम ही। और फिर जैसे ही सोडी प्रा का फोन आया, हमने इंतजाम कर दिया। चंगा सोडी पाजी, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, हम लोग निकलते हैं। चंगा जी सत श्री अकाल। हाँ एक स्किन सुनिए, मैं जरा छोड़ के आता हूँ। इधर तक? नहीं नहीं इधर तक। और अब तो फ्लाइट उड़े बस। चल सोनिए अब हम भी चलते हैं। गुड नाइट यारो, थैंक यू। अने सॉरी पन, हमारी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई,
फाइन रोशन भाभी। चलो ओ मैं हूँ ना। चलो भाई चलो, कल सुबह ऑफिस जाना है, घर चलते हैं। चलो चलो चलो। अब भिड़ा एक मिनट। अच्छा माधी तू जमी है तो अरे क्या जरूरत थी भांडा फोड़ने की, सब बताने की क्या जरूरत थी? हाँ बेटे तुम्हारी वजह से सब फंस गए। तो सच बोलने की क्या जरूरत थी? इतनी सी बात तेरे पेट में टिकी नहीं। मैं तो कहता हूँ अभी इसको है ना गोकुलधाम पुरुष मंडली में से निकाल दो और गोकुलधाम महिला मंडल में इसकी भर्ती कर दो। और नहीं तो क्या, फालतू में सोडी को और हम सबको फंसा दी। अरे फंसा क्या दिया भाई, मैं खुद फंस गया था, रोशन भाभी को सब सच पता चल गया था। अरे तो दोस्त के लिए दो तीन बात सुन लेता, सच बताने की क्या जरूरत थी? अरे दो तीन नहीं, मैंने बहुत सारी बातें सुनी जेठालाल, मैंने बहुत कंट्रोल किया, मैं सच ना बोलू लेकिन फिर एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़े, फिर मैं फंस गया। पर फिर माधवी ने मुझे मायके जाने की धमकी दी, तो क्या करता मैं, सच बोलना पड़ा। और मुझे मत बोलो जेठालाल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तुमने बोला था ना कि जाके रोशन भाभी को बोल दो कि सोडी उधवाड़ा गया है। हाँ तो क्या, तुम ऐसा फालतू आइडिया नहीं देता ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अच्छा अगर मैं ये नहीं बोलता कि सोडी उधवाड़ा गया है तो फिर भीड़े रोशन भाभी को क्या बोलता कि सोडी कहाँ गया है? हा? क्या बोलता वो कि सोडी मेरी बालकनी में है, जाइए मिल लीजिए, ऐसा बोलता? बोलो बोलो। ए, सोडी और रोशन भाभी के बीच में सुलह हो गई तो हम क्यों बहस कर रहे हैं, जो होना था हो गया। होना तो हो गया, मैं तो कितना कुछ हो गया मेहता साहब, और उसमें सबसे खतरनाक तो हम ये सोडी की बालकनी से करतब दिखाते दिखाते भीड़े की बालकनी में गए वो था। ये सोडी की एनिवर्सरी तो जिंदगी भर याद रहेगी। आज तक है एनिवर्सरी कोणाची, करतब कौन दाखवते। चलो चलो भाई अपने अपने घर जाते हैं, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। चलो गुड नाइट। गुड नाइट क्या तुम, समझाना पोपटलाल जरा, जाते जाते अय्यर भाई को भिड़े। चलो गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट भाई, गुड नाइट रात्रि। टन टन। ए सुन रोशन, सुना रोशन, तू मेरी रोशन, तू मारा रोशन, तू मेरी रोशन, तू मारा रोशन। अरे रोशन डार्लिंग, आज तूने मेरी फेवरेट साड़ी पहन के ना मेरा दिल एकदम खुश खुश कर देता। तो तेन पता है मेरा दिल जो है ना 120 की स्पीड में धड़क रहा है। रोशन मैं ना तेरे दिल की धड़कन थोड़ा और बढ़ाने वाली हूँ। बढ़ा मिनट बढ़ाने के लिए, ये एक मिनट बोल के कितने चली गई, ये क्या लेने गई है, ये सोच के मेरे दिल की धड़कने बढ़ रही है। सोनिए पुत्री है कि तेरे वास्ते हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड ओनली फॉर यू है, तो तूने अपने हाथों से बनाया? अरे खेलू, हैंडमेड का मतलब ही वोट है कि मैंने अपने हाथों से बनाया है। ओए मेरी पोली पार्सन, ओ मैं तो मजाक कर रहा सी, देख तू तो क्या बनाया है, बोल अपने हाथ। ओहो वाह जी वाह, एकदम टॉप क्लास। कम यू मैं भी तेरे दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। अरे रुक जा ठंड रख एक मिनट, होल्ड ऑन। ओह माय गॉड रोशन, आज तुम मेरी फेवरेट साड़ी पहन के आई, वैसे ही मैं तेरे लिए ऐसी सरप्राइज लाया कि तेरा दिल भी खुश खुश हो जाएगा।
ना ना ऐसे नहीं, गेस कर। डालनी पूरी? डालनी पूरी? एनिवर्सरी की? मैं ऐसा गिफ्ट थोड़ी दूंगा। मारा मारे एक सजा ड्रेस। नहीं। ड्रेस के साथ क्या पहनते हैं? सैंडल्स। नहीं होए नहीं। ना? तू रहन दे, तू एक काम कर, तू आंख बंद कर। अच्छा। ए, नो चीटिंग लुच्ची। सॉरी सॉरी, जल्दी बताओ। उन खोल। रोशन तेनू अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। थैंक यू मरु रोशन। आई लव यू टू। आई लव यू। चल केक काटे। चल। आई पन। के चक्कर में ना आधी रात निकल गई। अब मेरी नींद ठीक से नहीं होगी तो सुबह ऑफिस में नींद आएगी, बॉस ताने मारेगा, कहेगा कि बैठे तुझे पगार काम करने के देता हूँ, सोने के नहीं। हाँ तो ठीक है ना, लेट जाना ऑफिस में। ये ऑफिस में लेटने की जगह नहीं है, और मैंने कहा ना बॉस देखेगा तो ताने मारेगा। तारक, लेट जाना मतलब ऑफिस देरी से जाना, घर पे अपनी नींद पूरी करके जाना। देर से ऑफिस नहीं जा सकता, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो फिर तो एक ही सलूशन है। क्या? सो जाइए अभी। नींद भी तो नहीं आ रही ना। नींद नहीं आ रही है? तो फिर बातें करते। तारक, कितने दिन हो गए ऐसे प्यार से बैठकर बातें किए हुए। वैसे आज जो कुछ भी हुआ ना उसे एक बात तो कंफर्म है कि सोडी भाई और रोशन भाभी में जबरदस्त प्यार है। प्यार भी है और एक दूसरे के लिए ख्याल भी है, तभी तो रोशन भाभी को बुरा ना लगे इसलिए सोडी उनसे दूर भाग रहा। और रोशन भाभी सोडी भाई के पार्टी शार्टी करने पर इतना गुस्सा हुई। जहाँ प्यार है वहाँ तकरार भी है। दोनों परफेक्ट कपल है, बिल्कुल हमारी तरह, जैसे चांद और इसकी चांदनी, जैसे आसमान और सितारे, जैसे समुंदर और किनारे, जैसे रबड़ी और जलेबी। ऐसे मत देखो वरना तुम्हारी झील जैसी आंखों में डूब जाऊंगा ना तो रात भर नींद नहीं आएगी। अरे नहीं नहीं, डूबिए मत, ले लीजिए लाइफ जैकेट और सो जाइए। वैसे चलो अच्छा है कि सोड़ी भाई और रोशन भाभी के बीच जो झगड़ा था ना वो खत्म हुआ। कल वो दोनों बिना किसी टेंशन के हंसी खुशी अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ये देखो आज हमारी एनिवर्सरी है और ये अभी तक सो रहा है। रोशन गेल उठ। शावा शावा बल्ले बल्ले बल्ले। ये आई जो नींद में भी बल्ले बल्ले कर रहा है। अरे मेरा रोशन 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 उठ। बल्ले बल्ले बल्ले। सुअर हो गई? हाँ। गुड मॉर्निंग मेरी मिठड़ी। गुड मॉर्निंग। ओ मैं क्या जी सोने हूँ। एक बार फिर से हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू मरु रोशन। आई लव यू टू। आई लव यू। अभी उठ और तैयार हो जा। चल। एक मिनट भाई, क्या बात है, कितने सोने लग रहे हो। थैंक यू। तू इतना बन ठन के मुझ में बिजली गिराने का इरादा है? चल अबे। ओ नहीं भाई, कहीं तो तैयार शहर होके वापस उद्वारा तो नहीं जा रही? अरे नहीं, उद्वारा नहीं जा रही हूँ, लेकिन आज हमें गुरुद्वारा जाना है। आज हमारी एनिवर्सरी है तो हम हर एनिवर्सरी के दिन गुरुद्वारा जाते हैं कि नहीं माथा टेकने, तुझे याद है ना? हाँ सोने हो, याद है याद है। देख अब मैं रेडी हो गई हूँ, अब तू भी जल्दी रेडी हो जा। ओह
उससे पहले तू मेरे साथ थोड़ा रोमांस करने के लिए रेडी हो जा। रोशन, रोशन, अरे गिरो, गिरो रोशन। देख, मेरे दिल की घंटी भी बज रही है। दिल की नहीं, दरवाजे की घंटी बज रही है। कौन है जो मेरे रोमांस की गड्डी पे ब्रेक के लगाने आ गया? मुझे दरवाजा खोलने के बाद ही पता चलेगा ना रोशन। अच्छा, मेरी बोली पार्सल। चल उठो। ओ तेरी। अरे सुनता, मैं भी कह रहा हूँ तो सही। ये रोशन दरवाजा। सुनिए, मेरी मक्कड़ा, ओ मेरी। दरवाजा खोल। बोलता हूँ भाई। आ भाई, कौन है? ओए, ये फूल के पीछे कौन है? गुलदस्ता नीचे कर तो पता चले। अरे, ये तो अपने गार्डन का फूल है। है ना? हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। थैंक यू मम्मी पुत्र, थैंक यू। और शुरू। शादी नहीं बारात ना थी कि तुम लोग इतना ज्यादा डांस कर रहे हो। पर मारू गोगी दिखरू, थैंक यू सो मच। बुके घनो सजोटो। वैसे गोगी पुत्र, वो तेरी चॉइस भी ना तेरी मम्मी की तरह टॉप क्लास है। हाँ, इसीलिए जो मैंने तेरे पापा का चूज किया था, एकदम टॉप क्लास। वैसे पापा अब उदवाड़ा से कब आए? मैं बताती हूँ गोगी टिकरा, तेरे पापा ना उदवाड़ा गए ही नहीं थे। उदवाड़ा गए नहीं थे? तो पछी तेरे पापा परविंदर अंकल और उसके दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। उत्तरे। हाँ, इसीलिए तो तेरे पापा ने तुझे परविंदर अंकल के घर पे भेज दिया ताकि वो यहाँ पे पार्टी कर सके। उत्तरे। पापा, अब मैं क्या कहता हूँ, रात गई बात गई। ओ गल मुगाओ ते मिट्टी पाओ। ओए खुशी का दिन है तो खुशियां मनाओ। ओ सुनिए, ओ मैं क्या कहता हूँ, ओ शाम को गोकुल धाम वालों के साथ क्लब हाउस में क्यों ना हम अपनी एनिवर्सरी की पार्टी करें। यस, गुड आइडिया। गुरुद्वारा से आने के बाद हम सबके घर पे जाएंगे इनविटेशन देने के लिए। वाह, चंगा आइडिया है, पार्टी की तैयारी मैं ही करूंगा। नहीं नहीं पुत्र। नहीं 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 पापा, तैयारी तो मैं ही करूंगा। अब आप लोगों की शादी की तैयारी करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैरिज एनिवर्सरी की तैयारी तो करना बनता है ना। ओए बनता है जी, बनता है। और तू तैयारियां कर, मैं और तेरी मम्मी गुरुद्वारा साहब जाके मत्था टेक कर आते। चलना ही हो गया है ना। रोशन सुना, रोशन। अरे सांभरने रोशन, हम गुरुद्वारा से वापस आएंगे ना तो चाचा जी के घर पे जाके उनका आशीर्वाद लेंगे। हाँ, और उनके लिए पारसी से पंजाबी नाश्ता भी लेकर जाएंगे। हाँ, आई तो गुड आइडिया छे। चल चल, हमें हूँ नाश्तो बनाऊ, तू जाके तैयार हो जा, फिर साथ में माथा टेकेंगे। हे सच्चे पाशाह वाहिगुरु, साडे परिवार ते ते सारिया ते अपनी मेहर बस ऐसे ही बनाए रखना। हे खुदाई जी, मेरे घर में, गोकुलधाम सोसाइटी में और पूरी दुनिया में सब लोग खुश रहे और सबकी मच्छानी लाइफ होए। मनस्वी गवस्वी कुनस्वी। चल अभी गुरुद्वारा साहब चलते, मत्था टेकते और गोकुलधाम वालों के लिए गर्मा गर्म कड़ा प्रसाद लेकर आते। हाँ। दोस्तों, रोशन एंड रोशन परिवार के एनिवर्सरी के दिन की शुरुआत हो चुकी है। हम सब की तरफ से सोडी परिवार को शादी के सालगिरह की ढेर सारी बधाइयां। अभी कुछ ही समय में सोडी परिवार गुरुद्वारे जाने वाला है मत्था टेकने। जी हाँ, हमारे भारत में ऐसा ही होता है, जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है ना तो हम सेलिब्रेट करना चाहते, लेकिन उससे पहले भगवान और बड़ों का आशीर्वाद लेते। भाई हम गोकुलधाम वासियों के संस्कार भी कुछ ऐसे ही हैं। जी हाँ, गुरुद्वारे से आने के बाद एनिवर्सरी की पार्टी की जोरदार तैयारियां होने वाली है। तो कैसी होंगी ये तैयारियां, कौन कौन आएगा इस पार्टी में? मुझे तो लगता है कि कुछ खास मेहमान आने वाले हैं और डबल धमाका होने वाला है। तो कौन होंगे ये खास मेहमान? भाई ये खास मेहमान धमाल मचाएंगे या फिर बवाल मचाएंगे?
ये तो आगे ही पता चलेगा। तो जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।